अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक दोस्तों माय चैनल डेली रियाज ब्लॉग। तो दोस्तों आज के आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, बहुत जगह पे चल रहा है। जैसे फेसबुक है, व्हाट्सअप है, ये इसके ऊपर बहुत सारे ये वीडियो चल रहा है कि 20 अप्रैल के बाद अगर कोरोना वायरस अगर यहाँ पे सऊदी अरेबिया में अगर कंट्रोल नहीं हुआ, तो हो सकता है कि जो जितने भी गैर मुल्की है, जो भी है, इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जहीं कहीं से भी है जो गैर मुल्की यहाँ पे सऊदी में काम कर रहे, वो लोग को वापस अपने अपने मुल्क भिजा दिया जाएगा। तो उसका सच जानते हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, साइड में बेल आइकॉन रहेगा उसको दबा दो, जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। तो दोस्तों मुझे सब्सक्राइब लाइक की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ दोस्तों वीडियो में लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो ठीक है दोस्तों, चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको और एक न्यू अपडेट है सऊदी अरेबिया की, मैं वो आपको पहले बता देता हूँ। सऊदी अरेबिया में जो पहले यहाँ पे रियाद का है, रियाद में यहाँ पे पहले जैसा 3 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू था, ठीक है, बाकी टाइम पे फ्री था, आप जहाँ जा सकते थे जा सकते थे, घूम सकते थे, जहाँ जो भी आपको काम है, ड्यूटी वगैरह लग सकती थी तो वो कर सकते थे। अब जो है 24 आवर्स हो गया, अभी 24 घंटे सीधा, तो 24 घंटे में आप कहीं पे भी मत निकलो। हाँ, आप निकल सकते हो जैसा सुबह में 6 बजे से 3 बजे तक टाइम है, लेकिन निकलना कैसा है, जैसा आप एक ही पर्सन निकल सकते हो, आप एक से या दो नहीं निकल सकते हो, या नज़दीकी कहीं पे वकाला या दुकान आपको कहीं पे भी जाना है नज़दीक, तो वहाँ पे जाओ और आ जाओ, बेफालतू का कहीं पे भी मत जाओ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मेन मुद्दा है अपना जो 20 अप्रैल के बाद में क्या होगा, ठीक है। तो 20 अप्रैल में के बाद ऐसा कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सब फेक न्यूज़ है, सब बेकार आ रहा है, सब जो भी वायरल हो रहा है बेकार आ रहा है, ह्यूमर है सिर्फ। तो हाँ, भिजाने का जो है, लेकिन किसको है, जो कंपनी में जो काम करता है, जैसे कंपनी में कोई बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी में, उन लोगों को, अभी उन लोगों के पास काम नहीं है, कंपनी के पास काम नहीं है, वो सैलरी बिठा के तो नहीं देगा, है ना, क्योंकि एक दो जन नहीं है, बहुत सारे लोग रहते हैं, किसी किसी कंपनी में 100 लोग रहते हैं, 150 लोग रहते हैं, 50 ऐसा रहते, तो बिठा के इतने दिन तो कोई भी नहीं दे सकता है। अभी ये पता नहीं ये कब तक चलेगा, कब तक बन रहेगा, तो इसके लिए उन लोग क्या करेंगे, जिसका जिसका टाइम हो गया है, नज़दीक है जिसका टाइम या टाइम हो गया है, उन लोगों को अपने अपने मुल्क भिजा दिया जाएगा। और जो है अगर यहाँ पे काम भी जो कर रहे हैं, अगर जो भी जैसा बीच में भी टाइम अगर खुल जाएगा, जैसा आधा टाइम है, तो आधा टाइम पे जो काम कराएंगे तो वो घंटे के हिसाब से हो सकता है पैसे देंगे उन लोगों को, पूरे दिन का जो देते थे पहले अभी वो नहीं देंगे। तो जैसा छोटी छोटी जो कंपनी है जिसमें 8 लोग है, 15 लोग है, 10 लोग है, जैसा छोटी कंपनी है जिसमें काम करने वाले हैं, उन लोगों को गवर्नमेंट क्या दे रही है, जो कंपनी है उन लोगों को हेल्प कर रही है कि आप उन लोगों को लोन दे रही है कि अपना अपना मतलब संभालो, तो उन लोग हो सकता है आप लोगों को थोड़ा बहुत सैलरी देंगे, सैलरी मतलब जैसा देंगे, जैसा पूरी मिलती थी आपको शायद मेरे ख्याल से नहीं मिलेगी, जो भी है एडजस्ट करना पड़ेगा, आधा देंगे, ठीक है, जो भी अपना खाने पीने का खर्चा आपका ये निकलेगा, क्योंकि परेशानी तो हर जगह पे है फ्रेंड, हर जगह पे, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी, हर जगह पे, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, हर जगह पे, सऊदी अरेबिया में भी है बहुत जोरों को परेशानी, जो बेचारे जो बाहर काम करने वाले हैं, जो कंपनी में काम करने वाले, उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई अपडेट नहीं आई है कि हॉर्स ड्राइवर, जो जितने भी हॉर्स ड्राइवर है, कि उन लोगों को भी भेजा दे, अभी तक ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है। तो आप बेफिक्र रहो, जितने भी हॉर्स ड्राइवर है, जितने भी सवाक है, आप बेफिक्र रहो कि ऐसा कुछ भी नहीं आया है अभी तक, अगर जब आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो बना दूंगा, वीडियो में आप लोगों को मैं बता दूंगा। अल्लाह से दुआ करो कि नहीं आए, है ना, क्योंकि मैं भी ड्राइवर ही हूँ, मुझे भी पता है भाई, पर टेंशन हो जाएगी। तो यही था दोस्तों, यही अपडेट था, तो ह्यूमर मत फैलाओ, अगर आपको मैसेज वगैरह आता है तो आगे मत बढ़ाओ, उसके ऊपर यकीन मत करो, आगे मत बढ़ाओ, ऐसा कुछ अपडेट नहीं आया है, ठीक है दोस्तों।
तो चलिए बेफिक्र रहिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, फैमिली से बात करिए, घर पे रहिए, आराम से रहिए, विदाउट टेंशन, स्टे होम, बी सेफ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलामा।